हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी हेल्दी करेले की पराठा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। करेले के पराठा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप गेहूं का आटा लिया, 2 चम्मच बेसन, ऑयल यूज करूंगी, 2 करेला वॉश करके रखा, मसाला में 1/2 चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ग्रेटर ले लिया, करेला को पहले ग्रेट कर लूँगी और जो अंदर का वाइट पार्ट और सीड रहेगा वो डिस्कट कर दूँगी। ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ, पहले ग्रेट करके हो गया और ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिस्कट कर दूंगी। प्लेट में निकल लिया, इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ। नमक ऐड करने से जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाएगा और करेला का जो कड़वापन वो भी निकल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और साइड में छोड़ देती हूँ। 10 मिनट साइड में छोड़ दिया था, बहुत ही अच्छी तरह से जूस निकल आया। जो जूस है वो डिस्कट कर दूंगी और जो करेला है वो पराठा में यूज़ करूंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। पैन गर्म होने के लिए रख दिया, 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल गर्म होते ही जो जीरा लिया था वो ऐड कर देती हूँ। जीरा अच्छी तरह से चटकने लगा, करेला को ऐड कर दिया लो फ्लेम में। 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। करेला अच्छी तरह से फ्राई हो गया, सारा ड्राई मसाला ऐड कर देती हूँ लो फ्लेम में। 1 मिनट सारे मसाला के साथ मिक्स कर लेती हूँ। साथ में 2 चम्मच जो बेसन लिया था वो भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गया और गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जो गेहूं का आटा लिया उसमें सारे मसाला ऐड कर देती हूँ। इसमें नमक सारे मसाला ऐड करके मसाला बनाया था तो आटा के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और पराठा का डो बना लूँगी। इसमें 1/2 स्पून शुगर भी ऐड कर सकता है, लेकिन कड़वा नहीं होता। ऐसे मसाला करके पराठा बनाएंगे तो इसके लिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग को थोड़ा मीठा पसंद है तो वो लोग थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सारे मसाला को आटे के साथ मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और पराठे के डो बना लूंगी। ऐसे सॉफ्ट डो बना लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। एक लेयर ले लिया और पराठा बेल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे सारे पराठा बेल के रेडी कर लेती हूँ। एक लेयर लेके ऐसे बेल के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे बेल नहीं सकते तो थोड़ा सा आटा का डस्ट लगा के भी बेल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तवा गर्म होने के लिए रख दिया, तवा गर्म होते ही पराठा ऐड कर दिया। एक साइड अच्छी तरह से सेकने को बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से सेक के हो गया, दूसरे तरफ भी सेक लेती हूँ। उसके ऊपर ऑयल घी कौन सा भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेकने को बाद
ऑयल भी ऐड कीजिए। देखिए करेला का पराठा बहुत ही अच्छा बना है और दोनों साइड फूल के रेडी हुआ। सेम प्रोसेस में सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। टेस्टी हेल्दी करेले की पराठा बन के रेडी हो गया। चिल्ड दही के साथ सर्व किया, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।